Hello everyone, welcome to Lisa's Cooking and Baking Classes Kolkata. मैं शेफ लिसा बरवा, ओनर एंड फैकल्टी ऑफ लिसा कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगी राजस्थान और गुजरात का फेमस स्वीट चूरमा लड्डू, जो मैं बनाऊंगी एकदम ट्रेडिशनली एंड ऑथेंटिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लड्डू को आप कोई व्रत में बना सकते हो, कोई भी त्योहार में बना सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, और बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में जो ड्राई फ्रूट्स का फिलिंग होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है और बहुत ही स्क्रम्पशियस एंड डिलीशियस लगता है खाने में। टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से। 2 कप आटा, 1/4 कप सूजी, 1/4 कप बेसन को एक प्लेट में लेके अच्छे से मिला लीजिए। अब मिडिल में होल करके 1/4 कप घी डाल के इसको अच्छे से मोयम दे दीजिए। मोयम देने के बाद जब इसमें मुट्ठी बन जाएगा, तब आप समझेगा कि इसमें मोयम प्रॉपरली हो गया है। तो देखिए कितना अच्छे से मुट्ठी बन रहा है। अब गुनगुना पानी लेके इस आटे को गूंदिए। धीरे धीरे पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमें एक सख्त एंड हार्ड डो चाहिए। डो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। गर्म पानी से इसको मसलने से ना अंदर में जो सूजी रहता है ना, वो फूल जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। दो हाथों से मिला के इसको अच्छे से गूंद लीजिए। तो देखिए डो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। देखिए कितना हार्ड है डो और अंदर से कितना रफ है, तो ऐसा ही डो हमें चाहिए। अब इस डो से मुठियां बना लीजिए, ऐसे प्रेस करते हुए स्मॉल स्मॉल साइज में। तो सब मुठिया बन के रेडी हो गया है डीप फ्राई करने के लिए। अब एक एक मुठिया को डीप फ्राई कर लीजिए। एकदम स्लो फ्लेम में इसको डीप फ्राई करना है। जब तक इसके अंदर में अच्छे से कलर आ जाए, तब तक इसको आपको डीप फ्राई करना पड़ेगा। ऐसे करके बाकी का भी कर लीजिए। लो फ्लेम में इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर में ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ये जल जाएगा। अब इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर में। तो देखिए ठंडा होने के बाद ये बहुत ही हार्ड हो जाता है एंड क्रिस्पी हो जाता है। अब इसको हाथों से तोड़ लीजिए स्मॉल साइज में। ग्राइंडर जार में इसको डाल के रफली ग्राइंड कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको ऐसे दरदरा सा आपको पीसना पड़ेगा। वन टीस्पून घी गरम करके इसके अंदर में आमंड एंड काजू नट्स डाल के 2 मिनट तक हल्का सा भूनना है, तो नट्स के अंदर में क्रंचीनेस आ जाएगा। जब इसको आप लड्डू में मिलाओगे, तो लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब 3/4 कप घी डाल के कढ़ाई में इसमें 1 कप गुड़ डाल दीजिए, और एकदम स्लो फ्लेम में इसको कुक करते जाइए।
जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए तब तक आपको इसको कुक करते जाना है। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर में डालना है कर्डमम पाउडर एंड सब नट्स एंड वाटरमेलन सीड। अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब गुड़ एंड घी का मिक्सचर को लड्डू का डस्ट में ऐड करना है। एक स्पैचुला या तो चम्मच से इसको मिलाइए। अभी बहुत ही गर्म है ये गुड़, तो हाथ आपको जल जाएगा। धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाइए तो ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब इसको हाथों से मिला लीजिए तो अच्छे से मिक्स होगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है हाथों से मिक्स करने से। अब मैं इसमें से लड्डू बनाऊंगी, तो साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाथों से प्रेस करते हुए आप लड्डू बनाइए। मिक्सचर ठंडा हो जाने के बाद ही ये प्रोसेस आपको करना है। तो सब लड्डू बनके देखिए तैयार हो रहा है। तो सब लड्डू बन गया है और ये लड्डू का शेल्फ लाइफ है 1 मंथ तक फ्रिज में, और इसको आप रूम टेम्परेचर में 3 से 4 दिन तक रख के खा सकते हो। अब मैं इसके ऊपर में पॉपी सीड से डेकोरेट करूंगी। ट्रेडिशनली ऐसे ही किया जाता है। चाहो तो इसके ऊपर में सिल्वर वर्क लगा के भी डेकोरेट कर सकते हो। तो लड्डू बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए।